अनिरुद्ध पहुंचा जनक के रूम में, अर्षि को पढ़वाया जनक से जोरदार थप्पड़। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि अनिरुद्ध और जनक गए थे डेट पर, और उसके बाद आने के बाद जो घर में बवाल मचा है, उसके बाद तो चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो चुकी है जनक और अनिरुद्ध दोनों के लिए भी। इधर अनिरुद्ध के कमरे में पहुंच चुके हैं उसके घर वाले। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध को सबक सिखाने के लिए उसके माँ बाप और उसके भैया और उसकी भाभी बिपाशा भी पहुँच चुकी है उसके कमरे में, और भली बुरे बातें सुना रहे हैं अनिरुद्ध को। लेकिन अनिरुद्ध भी अब चुप नहीं रहने वाले। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी ओर उधर अर्षि भी पहुंच चुकी है जनक के कमरे में, और उसे पता नहीं क्या क्या सुना देती है। और बात अब जनक के कैरेक्टर पर भी आ चुकी है। जी हाँ, जब कैरेक्टर पर उंगली उठ रही है तो जनक भी अब चुप नहीं रहने वाली, क्योंकि उसने कोई बुरी बात की ही नहीं है जिससे उससे शर्म आए। जी हाँ दोस्तों, अब ये सारी बातें होने के बाद जनक ने भी अब बता दिया है असली सच अर्षि को कि कैसे अनिरुद्ध और जनक की शादी होकर है। जी हाँ दोस्तों, अब ये बात सुनकर अर्षि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, और उसका रिएक्शन ऐसा होता है कि कमरे से आवाज़ अब बाहर तक जा रही है। जी हाँ, अब अनिरुद्ध को जब आवाज़ें आती है जनक के कमरे से, तो अनिरुद्ध भी पहुंच जाते हैं जनक के कमरे में चीज़ों को सुलझाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद आगे क्या होगा ये हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। जी हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, अब अनिरुद्ध पहुंच चुके हैं जनक के कमरे में, और देखते हैं कि अर्षि भली बुरी बातें बोल रही है जनक के बारे में। इतना ही नहीं, अब अर्षि ने जनक के बारे में ऐसी बात कही है जिसे सुनकर अब अनिरुद्ध नहीं रह सकते शांत। जी हाँ दोस्तों, अर्षि ने ऐसी बात बोली है जिससे जनक के कैरेक्टर पर उंगली उठ रही है, और ये बात सुनकर अनिरुद्ध अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं। और अब ये बात वो सबके सामने एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ, उन दोनों की शादी हो चुकी है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा पहले जब वो श्रीनगर गए थे। और इसीलिए वो जनक को इतना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मन ही मन वो उसे चाहते हैं और उसे अपनी पत्नी भी मानते हैं। अब जब अर्षि ने इतना सब कुछ सुन लिया है, तो अर्षि अपना आपा खो देती है और जनक को और भी ज़्यादा बातें सुनाती है। अब ये बातें सुनकर अब अनिरुद्ध से भी नहीं रहा जाता, और वो बोल देते हैं जनक को कि तुम अर्षि को ज़ोरदार थप्पड़ मारो। जी हाँ दोस्तों, अब जनक ने मारा है अर्षि को एक ज़ोरदार थप्पड़, वो भी अनिरुद्ध के कहने पर। अब आगे और क्या क्या होगा, इस चीज़ का रिएक्शन क्या होगा घर वालों के सामने, और अब अर्षि क्या करेगी इस बातों के बाद, ये तो हम जानेंगे। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे इसी चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।